कई बार घर के सदस्यों में इतना मनमुटाव रहता है कि समझ में नहीं आता कि रीज़न क्या है। घर के सदस्य एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि हद हो जाती है जब मारपीट तक की नौबत भी आ जाती है। तो ये स्थिति बहुत विकट होती है, भयावह होती है। और ऐसी स्थिति को निपटाने के लिए आज एक उपाय बता रही हूँ जो आपके बहुत काम आ सकता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज एक अद्भुत उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत शांति प्रदान करेगा और आपके घर की खोया हुआ सुख चैन वापस आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो में बने रहिए। यहाँ बहुत सटीक जानकारी आपको दी जाती है, बहुत तरह तरह की विभिन्नताओं भरी जानकारी आपको दी जाती है जो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए और अन्य लोगों के द्वारा भी इसको शेयर करिए, जिससे आपका भला हो सके और उनका भी भला हो सके और सबका भला हो सके और मेरा भी भला हो सके। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका थैंक्स अदा करती हूँ। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं करता और मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल दिनों दिन ग्रो कर रहा है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। मित्रों, कभी भी जैसे आपके घर में खाना खाने बैठते हैं तो झगड़ा होता है, या संध्या समय झगड़ा होता है, या पूजा करते समय झगड़ा होता है, तो इसका तात्पर्य ये है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है जो निकालने पर भी नहीं निकल रही है। और आपने उपाय तो बहुत सारे किए होंगे और तब भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आज एक ऐसा उपाय या टोटका बता रही हूँ जिसको करने मात्र से ही आपके घर में 7 शनिवार अगर आप करेंगे या 1-2 बार शनिवार करेंगे तो आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में टकराहट की स्थिति कभी नहीं आएगी। घर के सदस्यों में प्यार पनपने लगेगा और वो एक दूसरे को देखकर खुश होने लगेंगे। जहाँ फूटी आँख नहीं सुहाता एक सदस्य दूसरे सदस्य को, ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाएगी जो खुशनुमा माहौल को क्रिएट करेगी और खुशनुमा माहौल आपके घर में होने लगेगा। तो क्या है वो टोटका, आइए जानते हैं। आपको कबूतर की बीट लेनी है, कबूतर की जो विष्ठा होती है, कबूतर की जो बीट होती है, जो नॉर्मली घर में कबूतर होते हैं ना, उनकी बीट आपको लेनी है। और इसकी जो बीट होती है बहुत चमत्कारिक होती है और आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन इतनी चमत्कारिक बीट होती है। तो उस बीट को आपको इकट्ठा कर लेना है, सूखी बीट होती है, उसको आपको इकट्ठा कर लेना है और उसकी धुनी आपको हर कमरे में हर शनिवार को देनी है। हर कमरे में कैसे भी वो धुनी तैयार कर लें, आप चूरा बना लें या कैसे भी आपको लेना है, और उसको धुनी के रूप में धुआं आपको हर घर में, मतलब हर कमरे में करना है। और ऐसा करने मात्र से ही आपके घर में संकट के बादल छंट जाएंगे, आपके घर में आई हुई मुसीबत टल जाएगी और आपके घर के सदस्यों का खोया हुआ प्यार वापस आने लगेगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और मुझे कमेंट करके बताना इस जो उपाय है इससे आपको कितना लाभ मिला और कितना आपको संकट बाकी है ये भी मुझे बताना। मेरे हिसाब से तो संकट के बादल पुनः नहीं आएंगे और छट जाएंगे और आपके घर के सदस्यों में प्यार पनपने लगेगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक करना और ऐसी जानकारी शेयर करना जिससे सबका भला हो सके और सबको लाभ मिल सके और सबको आशीर्वाद, सबके द्वारा आपको आशीर्वाद की प्राप्ति हो सके और आपके द्वारा मुझे भी आशीर्वाद की प्राप्ति हो सके। आप मुझसे ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं। 23-24 साल का मुझे अनुभव है, मेरे अनुभव का लाभ उठाइए। मात्र 1,000 रुपये में 2 सवाल आपको पूछने हैं और 2 सवाल आप जान सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करके। ये नवरात्रि ऑफर है जो मैंने अभी चालू कर रखा है, आप इसका लाभ उठाइए। इतने नॉमिनल चार्जेस मैंने पहली बार रखे हैं, आप इसका लाभ उठाइए। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।